रविंद्र सिंह भाटी को जनता के बीच प्रचार के लिए सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। 24 अप्रैल को प्रचार प्रसार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद भाटी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। इसके लिए भाटी अपना पूरा जोर लगाते नजर आएंगे। वहीं मानो भाटी समर्थक कह रहे हो कि भाटी जी थोड़ा जोर और लगाइए। आपको बता दें, रविंद्र सिंह भाटी ने खुद ही अपनी सीट पर मोर्चा संभाला हुआ है। उसके लिए इस सीट पर कोई दूसरा प्रचार करने नहीं आया, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दर्जन भर नेताओं ने मोर्चा संभाला। बीजेपी की तरफ से यहां नेता के साथ अभिनेता भी प्रचार के लिए आए, लेकिन जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाटी के पास अब अंतिम 36 घंटे बचे हैं। उसके बाद जनता अपना फैसला मत पेटियों में बंद कर देगी। रविंद्र सिंह भाटी को जनता के बीच प्रचार के लिए सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। 24 अप्रैल को प्रचार प्रसार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद भाटी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। इसके लिए भाटी अपना पूरा जोर लगाते नजर आएंगे। वहीं मानो भाटी समर्थक कह रहे हो कि भाटी जी थोड़ा जोर और लगाइए। आपको बता दें, रविंद्र सिंह भाटी ने खुद ही अपनी सीट पर मोर्चा संभाला हुआ है। उसके लिए इस सीट पर कोई दूसरा प्रचार करने नहीं आया, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दर्जन भर नेताओं ने मोर्चा संभाला। बीजेपी की तरफ से यहां नेता के साथ अभिनेता भी प्रचार के लिए आए, लेकिन जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाटी के पास अब अंतिम 36 घंटे बचे हैं। उसके बाद जनता अपना फैसला मत पेटियों में बंद कर देगी। रविंद्र सिंह भाटी को जनता के बीच प्रचार के लिए सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। 24 अप्रैल को प्रचार प्रसार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद भाटी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। इसके लिए भाटी अपना पूरा जोर लगाते नजर आएंगे। वहीं मानो भाटी समर्थक कह रहे हो कि भाटी जी थोड़ा जोर और लगाइए। आपको बता दें, रविंद्र सिंह भाटी ने खुद ही अपनी सीट पर मोर्चा संभाला हुआ है। उसके लिए इस सीट पर कोई दूसरा प्रचार करने नहीं आया, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दर्जन भर नेताओं ने मोर्चा संभाला। बीजेपी की तरफ से यहां नेता के साथ अभिनेता भी प्रचार के लिए आए, लेकिन जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाटी के पास अब अंतिम 36 घंटे बचे हैं। उसके बाद जनता अपना फैसला मत पेटियों में बंद कर देगी। रविंद्र सिंह भाटी को जनता के बीच प्रचार के लिए सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। 24 अप्रैल को प्रचार प्रसार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद भाटी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। इसके लिए भाटी अपना पूरा जोर लगाते नजर आएंगे। वहीं मानो भाटी समर्थक कह रहे हो कि भाटी जी थोड़ा जोर और लगाइए। आपको बता दें, रविंद्र सिंह भाटी ने खुद ही अपनी सीट पर मोर्चा संभाला हुआ है। उसके लिए इस सीट पर कोई दूसरा प्रचार करने नहीं आया, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दर्जन भर नेताओं ने मोर्चा संभाला। बीजेपी की तरफ से यहां नेता के साथ अभिनेता भी प्रचार के लिए आए, लेकिन जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाटी के पास अब अंतिम 36 घंटे बचे हैं। उसके बाद जनता अपना फैसला मत पेटियों में बंद कर देगी।